नेता हम ही हैं कल के आज एक और चेहरा और चेहरा कोई कमजोर नहीं है बहुत दमदार है भाजपा से जुड़ा है महिला चेहरा है महापौर का चुनाव हार चुकी हैं लेकिन भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री से लेकर के राज्य महिला आयोग से भी जुड़ी रही हैं और भी बहुत कुछ है चलिए हम बात करते हैं राजू मालवी जी से राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार महापौर का चुनाव हारने के बाद आप एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि विभा पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजू जी कोई उम्मीद तलाश नहीं है? देखिए 1999 में जब पहली बार प्रत्यक्ष महापौर का चुनाव हुआ था तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें पार्टी के अनेक कार्यकर्ता वर्षों परिश्रम करते हैं और मुझे इतने बड़े दायित्व को दिया गया था हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हमारे पास भी भोपाल में एक ही विधायक थे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया था सभी ने बहुत परिश्रम किया था लेकिन आ, उस समय अगर मैं ये कहूँ कि सरकार के लेवल पर मुख्यमंत्री जी ने दिग्विजय सिंह जी ने धांधली कराई थी तो उसके मेरे पास प्रमाण भी मौजूद है और उसके कारण हम सरकार किसी की भी हो धांधली होती रहती है नहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में तो कभी ये चीजें नहीं देखने में आती हमारी सरकार भी लगातार इतने लंबे समय से है लेकिन सीधी वजह बताओ ना आप हार की सीधी वजह ये थी कि एआरओ टेबल पर साढ़े अट्ठारह हजार वोट बिना खोले रिजेक्ट कर दिए गए थे और साढ़े सात हजार से मुझे हारा घोषित कर दिया गया था यदि वो साढ़े अठारह हजार वोट बिबा पटेल जी के थे तो मैं पच्चीस हजार से चुनाव हारती और फिर हारने में मुझे मजा आता लेकिन वो मेरे थे तभी नहीं खोले गए ना और आपके साथ सिर्फ एक विधायक था उस वक्त भोपाल भारतीय जनता पार्टी के एक ही विधायक थे उस समय हमारे पास तीन सीटें नहीं थी बाबूलाल गौर जी बाबू गौर जी थे तो यही कारण था कि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस का कब्जा और कांग्रेस की सरकार इसलिए राजू जी चमत्कार नहीं कर राजू जी चमत्कार का विषय ही नहीं है हमारा दल चुनाव लड़ता है मैं तो एक दल की एक छोटी सी कार्यकर्ता थी और हमारे यहाँ सब कुछ सामूहिक होता है राजू जी आपकी पहचान दुर्गा वाहिनी से जुड़ी है ये दुर्गा वाहिनी से कैसे जुड़ गई थी आप विश्व हिंदू परिषद का युवा बहनों का संगठन था दुर्गा वाहिनी और मैं कॉलेज लाइफ जो मेरी पूरी भोपाल में गुजरी एम गर्ल्स कॉलेज की मैं छात्रा हूँ बॉटनी में एम मैंने किया हुआ है और मैं उसके बाद आई की तैयारी कर रही थी उन्हीं दिनों श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था शिला पूजन हो रहा था शिला पूजन में हर हिंदू का बड़ा इंटरेस्ट था घरों से निकल कर लोगों ने काम किया था उसमें से मैं भी एक थी और जब मेरी थोड़ी सी गतिविधियां देखी गई तो परिषद के लोग का एक आग्रह था कि आप को इस विषय पर बोलना है एक मंच पर मुझे बोलने का आग्रह किया गया आप बता रहे हैं कि आप इसकी तैयारी कर रही थी बॉटनी से आपने एमएससी किया, किया। जी, जी, जी। फिर यह अचानक गैर राजनीति राजनीति भी नहीं सीधे परिषद हिंदुत्व की बात फिर पूजन, पर लगा दिया कैरियर uh, देखिए मुझे लगता है कि जो मुझे उस समय काम दिया गया था राम जन्मभूमि पर तो uh, वहाँ uh, जो भाषण देने का कहा गया और जब मैं वहाँ आगे उतरी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दुर्गा वाहिनी की प्रखंड संयोजिका हैं मेरे लिए सब कुछ नया था क्योंकि एक uh, हिंदू परिवार और विचारधारा का परिवार होने के नाते राम, राम जन्मभूमि की, 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 से आंदोलन से हम परिचित थे हम उसमें आ, बहुत निकट से नहीं लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम तो कर ही रही थी तो विषय मेरे सारे जानकारी में था और जब ये कहा तो मैंने उनको कहा आग्रह भी किया कि मैं जो काम कर रही हूँ मेरे भविष्य के लिए तैयारी कर रही हूँ और आपने ये काम दिया है तो मैं बहुत समय नहीं दे पाऊंगी परंतु हमारी मीनाक्षी ताई पिशवे हैं जो प्रांत की महिला प्रमुख थी और मुझे यहां इसलिए लाया गया था कि आप मना कर दीजिए कि आप समय नहीं दे पाएंगे और जब ताई के साथ बैठी तो तीन घंटे बैठने के बाद मेरी राह बदल चुकी थी मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ मेरा दुर्गा वाहिनी है क्योंकि दुर्गा वाहिनी का जो संगठन था वो समाज की हिंदू बेटियों के लिए सर अपनी सुरक्षा करने में सक्षम बनाना उसका पहला काम था तो हम सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से वो संगठन काम करने वाला था और तात्कालीन समय में ये मैं मैं ये महसूस करती थी कि बहनों को अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए क्योंकि ना तो उनके पिता ना भाई ना पति और ना बेटा 24 घंटे कोई भी साथ नहीं रह सकता और जब हम मैदान में निकलकर काम करने की सोचते हैं हिमालय पिक पे चढ़ने की सोचते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो फिर हमने सक्षम होना ही चाहिए और ये हर बेटी को होना चाहिए और अगर इस संगठन में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है तो मेरा सौभाग्य उस दिन मेरे जीवन की दशा बदल गई लेकिन या तो आपने कुछ उस लाइन में पढ़ा हो तो बॉटनी से आपका के ध्यान केंद्रित था तो ये जो विचार परिवार जिसको कहा जाता है किसी वक्ता ने आपको प्रभावित किया किसी नेता ने आपको प्रभावित किया या फिर संघ के लोग ही जब घर आ गए थे और जो तीन घंटे आप बैठने के बाद मानस बन गया था कि अब हमें कुछ करना है हिंदुत्व की लाइन में आगे बढ़ना है देखिए पचहत्तर में जब इमरजेंसी लगी थी तो हम बहुत छोटे थे लेकिन बहुत करीब से बहुत सारी चीज़ें देखते थे और श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ तो साध्वी रितंभरा जी का वक्तव्य उस समय उनके भाषण बहुत

दुर्गा वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजिका बनाई गई तो फिर बहुत ज्यादा निकटता उस सारे विषय वो, तो वो तो मास्क वो तो कहाँ पहुंची मथुरा वृंदावन और राजू मालवी यही एक चुनाव के हार गई कि अपनी पार्टी में भी बस काम चलाऊ भूमिका निभा रही नहीं राकेश जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं ये मानती हूँ कि मेरे अपने सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में भी मेरे प्रवेश के साथ मुझे महापौर का टिकट दिया गया हार जीत जीवन में लगी रहती है लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और मैं अगर ये कहूँ कि आ, मैं उस ऋण को उतारने में मुझे कई वर्षों लग जाएंगे और फिर भी पार्टी ने लगातार मुझे

अपने जीवन के मैंने विश्व हिंदू परिषद को दिए थे और भारतीय जनता पार्टी में भी आने के बाद अब मेरा मूल काम भारतीय जनता पार्टी भाजपा झाड़ू लगाओ अपने परिवार में सबसे बड़ी जी और पृष्ठभूमि शायद बीजेपी की और जनसंघ की ही है लेकिन वैचारिक परिवार के प्रति पूरा समर्पण आ, हमारे परिवार में संघ परिवार का वातावरण ज़्यादा है मैं संघ परिवार से जाती हूँ मेरा भाई भी प्रथम वर्ष शिक्षित है मेरी बहनें भी राष्ट्र सेविका समिति के द्वितीय वर्ष किए हुए मैंने द्वितीय वर्ष किया है और मेरी जो तो चारों बहनें हैं ये दुर्गा वहनी के सौर्य प्रशिक्षण वर्गों में अनेक इन्होंने वर्ग किए और ये शिक्षिका भी रही तो हमने अगर हम ये कहें कि अपने संगठन के माध्यम से हजारों ऐसी बेटियां थी जिनको आ, सक्षम बनाया है जिनको दूसरे लोगों को सुरक्षा करने में सक्षम बनाने के तो की ट्रेनिंग दी तो स्वाभाविक रूप से वो तो वातावरण था मैं फिर वही पूछ रहा हूं, क्या दिल क्या कहता है कि एक मौका अगर पार्टी दे दे, दे तो बड़ा आनंद आ जाएगा हिसाब किताब कुछ बराबर किया जाए देखिए ये तो बिना पता लिखा लिफाफा है पार्टी ने आज तक जहाँ का पता लिखा है वहां पूरे मन से और प्रसन्न होकर उस काम को किया है ये एक सहयोगी है है? भोपाल सीट पिछले की महिला के लिए है। जी बिल्कुल सहयोग बना है और आ, ये मेरे नेतृत्व <coughs> के ऊपर है माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मेरे संगठन के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा संगठन महामंत्री बिल्कुल संगठन महामंत्री पर तो हमारे पर... संगठन महामंत्री तो हमारी दूरी होते हैं माननीय हेतानंद शर्मा जी यानी कुल मिलाकर के पूरे संगठन की अगर मैं आपकी जो पृष्ठभूमि है वो संघ की है वो वैचारिक परिवार भी क्या राजू जी को चाहते हैं आप संपर्क में हो नाम कही है देखिए मैं राजनीतिक रूप से इस विषय की चर्चा मैंने उन्हें नहीं की लेकिन अछूता उनसे कुछ भी नहीं सारे लोग सारे परिदृश्य को देख रहे हैं सब उनकी जानकारी में हैं वो अपनी बहन के बारे में भी पूरा जानते हैं मेरा जीवन कि मैं मुझे कहीं बायोडाटा देने की जरूरत नहीं है मैं पूरा पूरा संघ परिवार मेरे बारे में जानता है मेरा भाजपा का नेतृत्व मेरे बारे में जानता है उनको अगर ऐसा उपयुक्त तो लगेगा कि मुझे कोई स्थान पर लाकर के सब, सब कुछ आपने पार्टी पे छोड़ दिया संगठन पे छोड़ दिया जी। लेकिन जब आप दुर्गा वाहिनी से हटती हैं तो बीजेपी में प्रवेश कैसे होता है किन परिस्थितियों में होता है क्योंकि अब ये सीधी राजनीति की तरफ टिकट आपको मिला है टिकट देना था इसलिए बीजेपी या बीजेपी में आकर के टिकट मिला नहीं देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि पिताजी भारतीय जनता पार्टी का काम लंबे समय से कर रहे थे तो मुझे 1990 का वो दशक याद है क्योंकि उसके पहले तो मैं शिक्षा में भोपाल में ही थी कॉलेज में तो 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हुई तो मुझे याद है कि एक रुपए की रसीद कटती अब पांच रुपए की कटती हाँ तो वो एक रुपए की रसीद काटने के लिए जब कार्यकर्ताओं को दिया था मेरे पिताजी भी वहाँ कार्यकर्ता थे तो वो सबसे पहले अपने परिवार की पूरी रसीदें काटते थे कि आप हमारे यहाँ जो उस आयु में आ गए हैं वो सभी सदस्य होंगे इसके बाद फिर बाकी अन्य लोगों की कटती थी तो मैं पिताजी के पुराने सामानों को अभी कुछ दिन पहले खंगाली थी तो उन्नीस की भी रसीद मुझे मिली और 1990 में मतलब मुझे कहा गया था कि कुछ लोगों को सदस्य बनाना तो कुछ बहनों को सदस्य बनाने का काम मैंने तब भी किया था लेकिन तीन दशक की इस यात्रा में भाजपा में पहली भूमिका आपको कब मिलती है जब एक रुपए की रसीद काटती है जवाबदेही कब तय होती है एक कार्यकर्ता से आगे बढ़ने का मौका कब मिलता है नहीं उस समय मुझे कहा गया था कि ये सदस्य बना दो मैंने बना दिए और मैं अपने दुर्गा वहिनी के काम में लगी हुई थी लेकिन जब निन्यानवे में मुझे कहा गया कि भोपाल महापौर का चुनाव ओबीसी महिला को है आप भोपाल में चुकी रहती हैं भोपाल से चुकी संबंधित हैं तो आपको इस दिशा में सोचना चाहिए तो तब मेरा मानस भी नहीं था आपको बताऊं क्योंकि मेरा मानस शुद्ध रूप से दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के लिए था लेकिन फिर विचार हुआ बातचीत हुई सारी चीजें हुई और कह सकते हैं राजू जी अब थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर चुकी है वो तेवर नहीं है वो तीखा पर नजर नहीं आता है नहीं ऐसा नहीं है देखिए भूमिका जैसी होती है काम वैसा होता है अगर आपने अगर भूमिका देखी हो तो उस समय भी आपने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी और लगातार आ, हम आंदोलन करते थे जिन विषयों पर आ, सड़कें बहुत खराब थी बिजली आती नहीं थी पानी तो इसके लिए जब आंदोलन करना होता था तब तो आक्रामक रूप था आज जब हम सरकार में और सरकार की भूमिका निभा रहे हैं तो हमारा काम समस्या कमजोरियों को छुपाना है समस्याओं का समाधान करना है।, तो फिर छुप रहना है नहीं नहीं छुपाने का सवाल नहीं है समस्याओं का समाधान करना है आज हम सरकार के बीच में और संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जनता और सरकार के बीच में हम ब्रिज का काम करते हैं अगर कहीं किसी को किसी चीज का लाभ नहीं मिलता तो हम वो काम करते हैं तो हमारा काम आज आंदोलन नहीं है हमारा काम ऑलरेडी सरकार ने जो काम किया विष्णु का तो दत्त की भाजपा लेकिन जब आप भाजपा में पहली बार पहुंची तब प्रदेश अध्यक्ष कौन था आनंद कुमार जी साहब उस वक्त जिम्मेदारी आपको पहली कब मिलती है अविभाजित मध्य प्रदेश है तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था Uh, मुझे uh, जब मैं चुनाव लड़ी और चुनाव के बाद मैं पार्टी की सामान्य सदस्य के रूप में काम कर रही थी फिर माननीय कैलाश जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने मुझे प्रदेश कार्य समिति में लिया था तब प्रदेश कार्य समिति में तब सन किया था और अब प्रदेश कार्य समिति की सदस्य uh, पूरी यात्रा में वही आके बैठ गए लौट के सांप सीढ़ी का खेल हो गया नहीं मैं ऐसे सांप सीढ़ी का खेल नहीं कहूंगी मैं ये कहूंगी कि 2000 में मुझे प्रदेश की कार्य समिति सदस्य बनाया गया था और आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने लंबे समय तक आज भी प्रदेश की वर्किंग में मैं हूं चुनाव के समय माननीय उमा भारती जी यहाँ की सांसद थी उन्होंने उस समय चुनाव लड़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की थी महिला आयोग में जब मुझे लिया गया तो आप मुख्यमंत्री थी पहले महिला आयोग मिलता है देखिए मैं कार्य समिति 2000 में थी और मानिए उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी तब मुझे राज्य महिला आयोग में लिया गया था सदस्य के रूप में और राज्य मंत्री का दर्जा था मेरे उस वक्त भी भी सदस्य सदस्य के रूप में भाई सब सदस्य भी बहुत बड़ा काम होता था क्योंकि अध्यक्ष उस हमारी टीम की एक थी रेलम जी लेकिन हमारे काम सबके लगभग बराबर थे उस वक्त तो कहीं हक हाँ नहीं मारा गया आपका मैं नहीं मानती देखिए मैं प्रारब्ध को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ कर्म मुझे करना है निरंतर कर्म यही मेरा धर्म ये मेरा एक जीवन का स्लोगन है वो शायद पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा तो कर्म करना मेरा धर्म है प्रारब्ध ईश्वर दे जो देगा वो स्वीकार है वो स्वीकार है स्वीकार कर रही है लेकिन बीच में कोई ऐसा मौका नहीं आया जब आपको विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी आपने रखी हो या पार्टी ने कोई आपको अप्रोच की हो या कार्यकर्ताओं की कुछ भावना हो या वो जो वैचारिक परिवार है उसने कुछ ऐसी मंशा जाहिर की हो कार्यकर्ता रहते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिम्मेदारियां मिलती हैं और उन जिम्मेदारियों को लगातार निर्वाह करते रहे विधानसभा के लिए नहीं अवसर बना तो कहीं कोई दिक्कत नजर सुहागपुर सुहागपुर पे थी भोपाल की ही कोई सीट पर। नहीं कहा कुछ समय रही बाकी तो मेरा ज्यादा समय भोपाल में ही गुजरा है तो ये संतुलन बना के चल रही है कि सुहागपुर का भी एक विकल्प खुला रहे और भोपाल में अगर कोई नहीं अभी तो मैं लगातार यही हूँ तो सवाल ही नहीं उठता भोपाल से लगातार सक्रिय हैं तो भाजपा संगठन में आपको प्रदेश मंत्री भी बनाया जाता है जी वो कैसे किसके साथ काम किया किस किस के साथ माननीय प्रभात जी भाई साहब जब मैं आयोग में 2007 के काम करने के बाद मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था हुँ. उसके बाद 2008 में फिर मुझे वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया था माननीय प्रभात जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे प्रदेश का मंत्री बनाया था तो ये जिम्मेदारी आगे कैसे बढ़ती है आपकी आँगी आँगी ए, का बिल्कुल उनके साथ भी मैं प्रदेश मंत्री रही नंदू भैया के साथ भी मैं प्रदेश मंत्री रही और उसके बाद नंदू भैया का जो सेकंड टर्म था उसमें मुझे प्रदेश की प्रवक्ता बनाया गया फिर लगातार प्रदेश की प्रवक्ता का काम हो अभी जो नई टीम बनी उसमें मेरे पास वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी है मैंने अपने प्रवेश प्रदेश प्रवक्ता का भी दायित्व निभाया कैसा लगता है जब सरकार आपकी अपनी और प्रवक्ता का कोई काम रह जाता है सिर्फ सरकार का बचाव करना है जो आंदोलन करता रहा है जो दुर्गा वाहिनी से जुड़ा है जो शिला पूजन में रहा हो उसके अपने तीखे तेवर रहे होंगे और अब सरकार में रहते प्रवक्ता कैसा प्रवक्ता की भूमिका में पूरी तरह फिट थी क्या मुझे लगता है वो सबसे अच्छा काम था और उसमें केवल बचाव नहीं करना होता है उसमें सरकार के सही पक्ष को रखना होता है कि हम क्या करने जाए कई बार बहुत सारे भ्रम फैला दिए जाते हैं लेकिन इस प्रवक्ता के नाते सारे पक्षों की सही जानकारी लेकर जब समाज तक पहुंचाने का कार्य होता है तो एक अच्छा लगता है एक संतुष्टि होती तो अपने है तो अपनी भूमिका संतुष्ट कल के राजू जी कहेंगी भारतीय जनता पार्टी नहीं मैं तो विश्व हिंदू परिषद में दुर्गा वहिनी के समय से विभिन्न दायित्वों पर रही लेकिन हमेशा मेरे मन में मेरे अपने बड़ों का के जीवन का जो आदर्श था वो रहा और इसलिए मैं तब भी कार्यकर्ता थी आज भी कार्यकर्ता हूं और कल भी कार्यकर्ता रहूंगी हाँ नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा वो अलग अलग तरह की होगी वो उसे आप नेता शब्द इस्तेमाल करें उसे आप जनसेवा के इस्तेमाल करें वो अलग अलग हो सकता है परंतु एक स्थायी पद है वो पद है कार्यकर्ता का और ये देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बाद में हूँ एक कार्यकर्ता पहले अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह के गए हैं कि कार्यकर्ता को जोड़ना है कार्यकर्ता को आगे ले जाना है तो एक कार्यकर्ता के तौर पर दूसरे कार्यकर्ता का युवा कार्यकर्ता का राजू जी हक मार रही हैं जिनको पार्टी ने बहुत मौका दिया या फिर अभी कार्यकर्ता हैं तो हमारे लिए संभावनाएं बरकरार है सबके लिए स्थान तय है सबके लिए काम तय है पार्टी सबके बारे में वा विचार करती है तो फिर मैं भी उतनी ही आश्वस्त हूं कि मेरे बारे में भी विचार होगा मेरी योग्यताओं का आकलन होगा और जो नेतृत्व चाहेगा वो होगा निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं महिलाओं को आरक्षण से तो तो ऐसे में आधी आबादी की बात होती है तो राजू जी क्या देखती हैं मध्य प्रदेश की भारती की भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने 50 प्रतिशत बहनों को आरक्षण दिया है डेढ़ फुट के घूंघट से बहनों को बाहर निकाला है तो मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि एक अच्छा निर्णय आधी आबादी के लिए उन्होंने लिया और उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में बहनें Uh, इस नाते निकली हैं मुझे भी टिकट जब दिया गया था वो उस आरक्षण के ही कारण दिया गया था नहीं तो hmm. एक बहुत बड़ा संघर्ष भाई बहनों के बीच में तो होता ही होता है और uh, संभावना है तो दल को तय करनी है बात आरक्षण की निकली है ओ बी सी हैं लगता नहीं सवर्णों का हक मारा जा रहा है और भाजपा hmm. जो ब्राह्मण बनिया और छत्री की पार्टी के राजी थी अब पूरा फोकस आदिवासी और पिछड़े में तो आने वाले चुनाव में कहीं सवर्णों की नाराजगी मोल तो नहीं ले रही बीजेपी नहीं देखिए सवर्णों की पार्टी कहलाती थी ऐसा तो मैंने नहीं देखा हम लोग ब्राह्मण सामाजिक समरसता में विश्वास रखते होगा, सुना होगा बोले ना नहीं सब तरह के लोग उसमें होते है ध्यान हमारा अगर किसी एक वर्ग पे जाता है तो विषय आता है और आज जो ओबीसी की बात हो रही है तो आप ये देखिए कि 54 परसेंट पॉपुलेशन ओबीसी की है Uh, किसी रूप में भी पिछड़ा समाज अगर है तो उसे प्रशंसनीय का निर्णय है उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो ये तो प्रशंसनीय कार्य है अब तो राजनीति विरासत में मिली है मतलब पिताजी और परिवार के कई लोग भाजपा और उससे पहले जनसंघ और उससे पहले संघ से जुड़े रहे पर एक लाइन और मोदी शाह और नड्डा की बीजेपी ने नेता पत्रों को पूरी तरह से दूर किया है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा ये फैसला किस तरह से देखती हैं राजू मालवीय देखिए मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे आ, अब उनके जाने के बाद बहुत वर्षों में तो आ, काफी लंबे समय से इस पूरे विषय में काम कर रही हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो विषय कहा है कई बार क्या होता है कि जो हम कांग्रेस की राजनीति में इस बात को देखते हैं कि वहाँ नेता का जन्म माँ की कोख से हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए उसके पास मैदान होता है वो अपनी योग्यता सिद्ध करके जब आगे आता है कार्यकर्ताओं के साथ काम करके जब आगे आता है तो परिस्थितियां अलग दिखती हैं भाजपा लेकिन अपनी सुविधा से परिवारवाद और विरासत की राजनीति और वंशवाद की परिभाषा गढ़ देती है कुछ भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कल कौन होगा पता नहीं एक कार्यकर्ता बन सकता है पोस्टर लगाने वाला बन सकता है पर जब मंत्रिमंडल में नज़र डालते हैं केंद्र और प्रदेश की राजनीति में देखते हैं संगठन के पद और विधायक पर नज़र डालते हैं तो कई चेहरे सामने आते हैं जो नहीं, परिवार नहीं। बात को इशारा कर रहे हैं राकेश जी उसमें मैंने आपको निवेदन किया कि अगर लंबे समय से कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है तो उसका यह अपराध थोड़ी है कि वो किसी नेता का पुत्र है ये उसका अपराध नहीं लेकिन वहां तो अगर आप दूसरे दल की बात करें तो वहां जन्म लेते हैं है तो 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 अगर कोई कार्यकर्ता है तो उसकी स्वीकार्यता जब नीचे बनती है तो विषय अलग हो जाता है बाकी भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये बिल्कुल सही है आपने आज प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए आज मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए आप दूर मत जाइए आप जो आठ दस दिन पहले निर्णय हुए हैं जो हमारी राज्यसभा की दो सदस्य चुनी गई हैं बहन कविता पाटीदार जी और बहन सुमित्रा बाल्मिक जी दोनों को अपने बारे में नहीं पता था कि वो राज्यसभा की सदस्य बनने वाली हैं और कविता जी तो मुख्य भूमिका में थी हमारी महामंत्री के रूप में थी

जब व्यक्ति क्षेत्र चुनता है तो चीजें अलग नजर आती हैं अच्छा आपने चुनाव लड़ा है चर्चा को विराम दे विभा पटेल के लिए बीजेपी चुनौती क्यों और बीजेपी के लिए विभा पटेल चुनौती क्यों देखिए चुनाव में हम कभी भी विपक्ष को या किसी भी सामने लड़ने वाले कैंडिडेट को कमजोर नहीं मानते मतलब एक मजबूत उम्मीदवार है विभा अर... पटेल भारत कांग्रेस ने चुना है तो उनकी दृष्टि में तो मजबूत हो गई लेकिन भारतीय जनता तो पार्टी का बीजेपी के लिए किसी अनुभवी पे दांव लगाना जरूरी है राजू मालवी जैसे या फिर एक नए चेहरे को सामने ला करके सबको एकजुट कर दिया एक जाए कि कमल का फूल चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है हम पन्ना प्रमुख से लेकर केंद्र तक हमारी भूमिका में है बूथ विस्तार पन्ना प्रमुख जो है वो बूथ विस्तार का ही एक, एक पक्ष है बिल्कुल किसी को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे कुछ गलत फहमी तो नहीं है नहीं हम बिल्कुल गलत फहमी में नहीं हजार अठारह आंकड़े बताते हैं कि बहुत तगड़ा संघर्ष है कई सीटों पर तो ऐसे में अनुभव कोई मायने नहीं रखता है किसी को भी खड़ा कर देंगे नहीं देखिए ये तो दल को तय करना है, नहीं, क्या है इस ये तो हमारे वरिष्ठ तय करेंगे कि हमें कोई चुनौती के लिए कांग्रेस मैंने कहा ना कि कांग्रेस हो या अन्य कोई भी विपक्षी कैंडिडेट हो जो इस पद के लिए खड़ा होगा वो सारे लोग को हम किसी को भी कमजोर नहीं मानते हमारी लड़ाई उतनी ही शिद्दत के साथ उतने ही परिश्रम के साथ उतनी मेहनत के साथ होगी और रही बात प्रत्याशी की तो प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है जो शिवराज जी ने कहा बिल्कुल तो राजू जी, ये नेतागिरी और विचार परिवार से आगे पत्रकारिता में भी कोई आप जुड़ी हैं कहीं हाँ मैं 1990 में मैं स्वदेश में काम करती थी स्वदेश से मैं जुड़ी थी और आजकल एक मैगजीन निकाल रही है हाँ बिल्कुल मैं हे कल्याणी की मेरी अपनी पत्रिका है उसकी थीम क्या है आ, तो मूल रूप से हमने महिलाओं को केंद्रित करके रखी है परिवार को केंद्रित करके रखी है और हमारा महिला के हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी हमारा अपना बिल्कुल ये सोच है कि बहनें अपने सक्षम बन सकें उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके वो समाज में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें क्योंकि स्त्री परिवार की जैसे दूरी है जब वो परिवार का संचालन बहुत अच्छा कर सकती है तो देश भी बहुत अच्छा चला सकती है प्रदेश भी चला सकती है तो वो सभी जिम्मेदारियों में रहे वो योग्य तुम भूमिका में निर्वाह कर सके उसमें ही कल्याणी एक छोटी सी सहयोगी की भूमिका निभाती है भाजपा में कहा जाता है कि एक प्रकल्प हर कार्यकर्ता को एक प्रेरित किया जाता है कि कुछ नया करिए कुछ अलग करिए पार्टी से हट के करिए व्यक्तिगत तौर पे करिए तो सामाजिक सरोकार का इस सियासत में बड़ा महत्व राजू जी किसी प्रकल्प से जुड़ी हैं बिल्कुल हम वर्ष में एक बार जटाशंकर कावड़ यात्रा का, का कार्यक्रम करते हैं और उसमें हमने पचमढ़ी को पहले लोग केवल टूरिस्ट प्लेस जानते थे लेकिन पचमढ़ी देश का बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है उस यात्रा ने ये संदेश भी दिया और इसके साथ साथ हम लगातार पर्यावरण बचाव का संदेश लेकर के वो यात्रा करते हैं आठ दिन की वो यात्रा होती है और सैकड़ों लोग उस यात्रा में भाग लेते हैं हजारों लोग उस यात्रा में मोबिलाइज होते हैं और एक बड़ा कार्यक्रम इस नाते हमारा होता है और साथ ही मैंने कहा ना बहनों का विषय बहनें बे, मेरी आत्मा में छुपी रहती हैं और इसलिए मैंने सैनिटेशन पर जो बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मैं उसको हाईलाइट करके उसको केंद्रित करके कार्यक्रम करती हूँ अयोध्या आंदोलन आ, मैं एक छोटी सी बात कर हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरा मेरी मान्यता यह भी है कि गर्भ संस्कार जो है वो एक बहुत ही हमारा प्राचीनतम आवश्यक संस्कार है और उस पर भी मैं काम करती हूँ अयोध्या आंदोलन का प्रमुख चेहरा भले ना हो लेकिन उस वक्त आप कहाँ थी राम से तो जुड़ गई थी दुर्गा वाहिनी से जुड़ गई थी तो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है बिल्कुल मैं इस आंदोलन का हिस्सा रही हूँ हमने आ, कार सेवकों को निकाला है उनको भेजा है जब जब अयोध्या जाने का अवसर आया है तब मैं अयोध्या भी गई हूँ कार सेवकों के जब आ, आपने 1990 का वो परिदृश्य आपको याद होगा जब परिंदा पर नहीं मार सकता जैसी बात कहेंगे नहीं कार सेवकों का गोलीकांड हुआ था अनेक लोग हताहत हुए थे अः तब मैं अपने हेडक्वार्टर पे थी क्योंकि का हेडक्वार्टर था और हम लोगों की जिम्मेदारी लोग तो का मानसरोवर से भी कुछ है जी मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ का महिला विभाग का काम भी मैं देखती हूँ और ये एक ऐसा संगठन है जो कैलाश मानसरोवर की मुक्ति अभियान के लिए काम करता है संघ से जुड़ा संघ से सीधे नहीं जुड़ा लेकिन संघ के अनेक निवर्तमान प्रचारक भी इस में काम करते हैं देश के बहुत बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल्स इससे जुड़े हैं मकसद क्या और है और इसका जो मूल मकसद है कैलाश मानसरोवर की मुक्ति तिब्बत की आजादी और चाइना का आर्थिक बहिष्कार आपने कोरोना काल में चाइना की हरकतों को देखा सरकार आपकी है निपट सकती ना मोदी है तो मुमकिन है देखिए स्वाभाविक रूप से सरकार के काम अलग होते हैं और जन जागरण करने का काम अलग होता है लेकिन हम लोगों ने अपना जन जागरण जो संगठन के स्तर पर है वो चल रहा है पूरे विश्व का जनमत जब इस दिशा में बने चर्चा को विराम राजू जी, विधायक का चुनाव लड़ना चाहेंगी या महापौर का जो पार्टी तय करेगी फिर भी आपकी व्यक्तिगत रुचि देखिए राकेश भैया जब अपने आपको किसी संगठन के लिए आपने समर्पित कर दिया हो तब व्यक्तिगत रुचि मायने नहीं रखती हालांकि चूंकि अभी जो परिदृश्य चल रहा है उसमें मुझे जो जिम्मेदारी पूर्व में दी जा चुकी है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी दिख रही हैं और उसी के कारण आप जैसे भाई या अन्य समाचार पत्रों ने भी इस चीज को उल्लेखित किया है और पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो पूरी परिश्रम के साथ उसका करेंगे जब भी जो जिम्मेदारी देगी बिल्कुल उसको स्वीकार करेंगे उसको स्वीकार भी करेंगे और उसको शिद्दत के साथ निभाएंगे भी आज आप जो प्रश्न कर रहे हैं अगर पार्टी ने मुझे इसके उपयोग तो माना तो फिर पूरे परिश्रम के साथ पूरे अपने संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी का परिचम लहराए कोई और बात जो राजू मालवी जी कहना चाहती हूँ मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी दल के कार्यकर्ता होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर परिस्थिति में सम होना चाहिए आज भी जो परिस्थितियां बनी पार्टी जिम्मेदारी देगी तो भी तो भी जीत लाएंगे और पार्टी ने अगर मुझे नहीं जिम्मेदारी दी किसी अन्य बहन को दी तो उसके साथ भी उतना ही परिश्रम करूंगी जितना मैं अपने लिए करती तो नेता हम ही है कल के ये कह सकते हैं कि नेताओं को बनाने वाले भी हो सकते हैं और नेता भी हो सकते हैं जो जिम्मेदारी पार्टी तय करे तो चुनाव लड़ना आसान नहीं है या लड़ाना देखिये दोनों में ही परिश्रम होता है

पार्टी पे छोड़ दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी जी नमस्कार